तो मेरा नाम है कुशल कुमार, ये मारुति सुजुकी अल्टो K10 का BXI वेरिएंट। मैंने आपको इस कार का लोअर वेरिएंट दिखाई दिया जो कि LXI वेरिएंट था, उसमें आपको एंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और ये है इसका सेकंड टॉप वेरिएंट, 5 लाख रुपीज के शोरूम प्राइस पर आपको इस कार का BXI वेरिएंट मिल जाता है। तो क्या क्या फीचर्स रहने वाले इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो आज हम सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, स्पीकर्स हो गए, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इसके BXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो ऐसा देखते हैं कितनी कॉम्पैक्ट लगती है देखने में। तो विषय मैं कर रहा हूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर। इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हरिद्वार और रुड़की दोनों शोरूम की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शोरी होंगी। अब कोई सी मारुति कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब भी चाहे तो मैं सारी की घुस रहेगी, आपको उसका में की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको उसमें नहीं मिलती है, बेसिक सी की दी जाती है जो एस सीरीज का पार्ट है, क्योंकि रिमोट सेंटर लॉकिंग लगी हुई है। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर में रहने वाला है यहाँ पर बल्ब। और ये ग्रिल इस कार की जो कि पूरी ब्लैक कलर में रहने वाली है, मैट ब्लैक में रहेगी। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो। फिर ओवरऑल घुस रहेगी लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। और ये साइड प्रोफाइल इस कार की 13 इंच का आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, विद व्हील कवर्स, 1845x80 R13 की प्रोफाइल रहेगी। और इंडिकेटर्स हो गए इस कार के फेंडर पे। और ये इस कार का ओआरएम जो कि आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा, ए पिलर हो गया बॉडी कलर का। और ये डोर हैंडल्स जो कि आपको बॉडी कलर के दिए जाते हैं। 3D कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, तो जो भी कार की डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होगी। और ये बैक प्रोफाइल इस कार की, ऊपर साइड हो गया इंडिकेटर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप। और ये इसकी टेल लाइट जिसमें आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा, इंडिकेटर और बैक लाइट में भी। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, एल्टो K10 की होगी यहाँ पर बैजिंग, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं बैक में। तो चलिए मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ। एक तो ऑप्शन हो गया कार की बूट को लॉक करने के लिए, की लगाकर आप ओपन कर सकते हैं। और एक आपको यहाँ पर ओपन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है कार की बूट को। तो एक इतना बूट स्पेस रहेगा इस कार में, 214 लीटर का रहेगा इस कार में बूट स्पेस। और ये इसका स्पेयर व्हील सेम प्रोफाइल का रहेगा। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे देखो कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस कार के एक्सटीरियर में। बॉडी कलर का ही बम्पर और बॉडी कलर के डोर हैंडल्स दिए गए हैं। और रूफ एंटीना मिल जाएगा, वो मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको इस कार के ORVMs। इस कार में आपको 1000cc का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करते हैं 55 BHP की पावर और 82 Nm का टॉर्क। काफी छोटे साइज की डायमेंशन की कार रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। और ये रहा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड डोर स्टिक मिल जाती है आपको यहाँ पर ORVM को एडजस्ट करने के लिए। डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का, बाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट स्पेस। और स्पीकर्स हो गए, वो बाहर से देखने में उस तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट जिसमें आपको रिक्लाइन करने का मिल जाता है, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर्स में नहीं है। और ये इस कार का बैक डोर, जो ओपन हो गया ब्लैक कलर का। मैनुअली विंडो मिलेंगी आपको रेयर में, पावर विंडो कंट्रोल्स नहीं है, चाहे इसका कोई सा वेरिएंट ले लीजिए, चाहे अपर वेरिएंट ले लीजिए। स्पीकर्स हो गए सब, जैसे उस तरह का मिल जाएगा आपको इंटीरियर इस कार का। क्या क्या फीचर्स मिलने वाले आपको इस कार के इंटीरियर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो सुजुकी का मिल जाएगा आपको यहाँ पर लोगो, SRS एयरबैग की होगी बेजिंग, फ्रंट 2 एयरबैग्स रहने वाले इस कार में। फुली डिजिटल मिलने वाला आपको इस कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार का। यहाँ पर आपको बीच में स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में मिल जाएगी आपके छोटे साइज की MID जिसमें आपको इसका फ्यूल का कितना चल गई है कार और टाइम जैसी चीजें आपको इसमें दिखती रहेंगी। और साइड में कुछ अलर्ट लाइट्स हो गई। और ये ड्राइवर साइड AC वेंट सर्कुलर में मिल जाएगा, इंटरनली एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको ORVM, जहाँ पर आपको स्टिक मिल जाती है। और ये सेंटर कंसोल इस कार का, 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, 2D का हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम, 1000 लाइट का बटन, पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे इस कार में। मैनुअली AC 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस और 2 कप होल्डर्स, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली कार, कुछ इस तरह का गियर नो मिल जाएगा आपको इस कार में। वो मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कितना स्पेस मिल जाता है आपको सारे ग्लव बॉक्स में। ऐसे आप देखते हैं कितना स्पेस रहने वाला है। और ये ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर या फिर टिकट होल्डर जैसी चीजें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। IRBM मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट नहीं रहने वाली है इसमें, कैबिन लैंप हेलोजन में। और ये को ड्राइवर साइड का सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल वो किस तरह की रहने वाली है इस कार की, फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। कुछ तरह की फैब्रिक सीट्स रहने वाली है जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है। और ये को ड्राइवर साइड डोर, डोर अपना ब्लैक कलर का, बटन बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, स्पेस और स्पीकर। तो चलिए फिर लेके चलता हूँ आपको इस कार की रेयर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम रहने वाला है वहां पर। मेरे हिसाब से कितना लेग रूम मिल जाएगा, लेग रूम और हेड रूम में कोई भी कभी नहीं रहेगी इस कार में। और रेयर सीट पर बैठे को उस तरह का लगता है डैशबोर्ड, फ्रंट में आपको कैबिन लैंप मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पर कोई भी कैबिन लैंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्रंट में भी आपको फिक्स हेड, बैक में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और ये बैक डोर, डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का, मैनुअली विंडो, वाटर बोर्ड के लिए स्पेस आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, बस आपको यहाँ पर स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, कितने साइज का रहने वाला है बम्प, तो
तो भाई ओवरऑल कुछ तरह का इंटीरियर इस कार का, जो भी कुछ आपको इस कार का इंटीरियर मिल जाता है वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ऐसा नहीं कुछ तरह का इस कार का बैकग्राउंड, जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल जाते हैं वो मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे बॉडी ग्रेड का बम्पर हो गया, रूफ एंटेना, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअली एडजस्टेबल मिरर्स, 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 2 स्पीकर्स, सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी आपको उसमें, रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी। वो आपको इसके अपर वेरियंट यानी कि BXI प्लस वेरियंट में दी जाती है और ना ही आपको इस वाले वेरियंट में रेयर डोर में पावर विंडो दी जाएंगी। और आपके वाले फीचर्स चाहिए तो आप इसके अपर वेरियंट यानी कि BXI प्लस वेरियंट को देख सकते हैं, जो 34,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने होंगे BXI प्लस वेरियंट के लिए। अगर आपको इस कार के वो वेरियंट की वीडियो देखनी है, फिर आप किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।